श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे करेले के गुण के बारे में। एक असाध्य बीमारी मधुमेह मतलब डायबिटीज। करेला मधुमेह के रोगियों के लिए अमृत तुल्य है। 100 मिलीलीटर के रस में इतना ही पानी मिलाकर दिन में 3 बार लेने से लाभ होता है और प्रातः 4 किलोमीटर टहलना चाहिए तथा मिठाई खाने से परहेज करना चाहिए। करेला मधुमेह के अलावा अन्य शारीरिक तकलीफों में भी लाभदायक है, जैसे कि कब्ज। नित्य करेला सेवन करने से कब्ज दूर होता है। यह एक अनुपम सब्जी है और इसमें ज्यादा तेल मसाले नहीं डालने चाहिए। फिर पीलिया, ताजा करेले का रस सुबह शाम पीने से लाभ होता है। दम्मा के मरीज भी करेले का रस सुबह खाली पेट लेकर राहत पा सकते हैं। सब्जी भी ज्यादा खानी चाहिए। फिर पथरी में, पथरी गुर्दे की हो या मूत्राशय की, इसे तोड़कर बाहर निकालने की क्षमता करेला रखता है। करेले का रस दिन में 2 बार और दोनों समय भोजन में करेले की सब्जी खानी चाहिए। फिर खूनी बवासीर, मत्स्य फटने से रक्त स्राव होता है जिसे खूनी बवासीर कहा जाता है। रोगी नित्य दिन में 2 समय करेले के रस में 2 चम्मच शक्कर मिलाकर पिए तो लाभ होगा। फिर पाचन शक्ति, यदि पाचन शक्ति कमजोर हो तो किसी भी प्रकार करेले का नित्य सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। करेला स्वयं भी शीघ्र पचता है। फिर यह खून की शुद्धि करती है। करेला खून की शुद्धि करने में पूरी तरह से सक्षम है। यदि त्वचा रोग हो तो भी रक्त शुद्धि हेतु करेले का रस कुछ दिनों तक आधा आधा कप पीना लाभदायक होता है। इस प्रकार कड़वा करेला अनेक रोगों में औषधि के रूप में काम आता है, बशर्ते उसे उसी रूप में लिया जाए, रस या सब्जी बनाकर। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।